स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन और अच्छे से रहिएगा। आई एम मिसिंग ऑल ऑफ यू बट अ लॉट। मैं आप लोगों को बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। हम लोग क्लास 7 में आप लोगों ने बहुत मस्ती की, मैंने बहुत डांटा भी था, रोज़ रोज़ पढ़ाना पड़ता, लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं पाती। आप लोग तो मुझे देख लेते, पर मैं आप लोगों को नहीं देख पाती। तो चलिए बच्चों, पढ़ाना भी ज़रूरी है, पर एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, जिसमें सिर्फ आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। ओके, तो आज मैं आप लोगों को पत्र और अनुच्छेद लेखन दे रही हूँ। आपकी पाठ्यपुस्तक में पत्र 1 जो है, अपने जीवन के का लक्ष्य बताते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे, वो आपके पत्र में, इसे आप थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा और ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। और पिताजी को आप बाहर से एक पत्र लिख रहे हैं, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, पॉलिटिशियन, शिक्षक, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो अपने पिता को एक पत्र लिख करके उसमें बताइए और आप क्यों बनना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। ये पत्र आप अपनी कॉपी में, हिंदी ग्रामर की कॉपी में आप लिखिएगा। और एक मैं अनुच्छेद लिखन दे रही हूँ, निबंध में बाद में स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद लिखन दे रही हूँ। बिना विचारे, आपके पाठ्यपुस्तक में अनुच्छेद नंबर 3 है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब बिना सोच विचार करके जो इंसान काम करता है उसे क्या पछतावा होता है, उसके बारे में एक अनुच्छेद है। और उसमें एक गिरिधर की कुंडली भी दी हुई है, आप उस कुंडली को भी लिखेंगे। जैसे लास्ट में दिया हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इंसान जो बिना विचार किए किसी काम को करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आप नो जग पे होता फंसा। बिना विचारे काम करने वाला अपना काम तो बिगाड़ता ही है, लोक में संसार में उसकी जग हंसाई भी होती, लोग उस पर हंसते भी हैं। जग में हो तो हंसाए चित में चैन न पावे, और जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो मन अच्छा नहीं लगता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। खाना पीना सोना जागना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब कोई मजाक उड़ाता है तो अच्छा नहीं लगता है। का गिरधर कबीराए है दुख कछु टरत न टारे। गिरधर कभी कहते हैं कि दुख ऐसा हो जाता है उस समय जो टालने पर भी नहीं टलता है। खटकत है जे माही की जो बिना किए करे जो बिना विचार, और दिन रात मन में खटकता रहता है वो काम जो इंसान बिना विचार ही करता। तो बच्चों, ये अनुच्छेद 3 जो आप अनुच्छेद 1 के नाम से अपने कॉपी पर लिखेंगे, ये आपका हो गया। और पिछली कक्षा में संस्कृत ग्रामर में मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद पढ़ाया था। एक्चुअली संधि विच्छेद जो है वो संस्कृत और संस्कृत ग्रामर दोनों में होता है, तो दोनों में मैंने आप लोगों को, दोनों में आप एक ही रूप चलता है, बस थोड़ा सा विसर्ग का फर्क हो जाता है। तो बच्चों, मैं इस में कंटिन्यू करते हैं आप लोगों को स्वर संधि में, आप लोगों को दीर्घ संधि तक मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गुण संधि। दीर्घ संधि दो समान स्वरों के मेल से उसी स्वर का जब दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ संधि होता है। और गुण संधि जैसे अ के साथ अ प्लस ई अगर मिलता है तो बनेगा आपका ए, अ प्लस उ बनेगा आपका ओ, और अ प्लस री बन जाएगा आपका अर। जैसे अ प्लस ई ए, गण प्लस ईश गणेश, नर प्लस ईश नरेश। अच्छा, अ प्लस उ आपका बन जाएगा ओ, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्योदय हो गया। और उसके बाद री ये अ के साथ री मिलने पर आपका बन जाता है अर। तो महाजोड़ ऋषि महर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। ये बच्चों आप लोगों का वृद्धि गुण संधि हो गया। और वृद्धि संधि, अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो आपका बन जाएगा ए, याद रखिएगा। वृद्धि संधि क्या है, अ या आ के बाद अगर ए आ प्लस ए या ए अगर आता है तो आपका बन जाता है उसमें ए। जो सदा प्लस ए सदै, तदा प्लस ए सदै, तदा प्लस ए तदै, एक प्लस एक एकैक। और वृद्धि संधि में अ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो आपका औ ही बनता है। जैसे महाजोड़ औषध महौषध, महा प्लस ओज महौज, ये आपका
वृद्धि संधि हो गया। तो बच्चों आज मैं वृद्धि संधि तक रखती हूँ, यन संधि और अयादि संधि अगले भाग में पढ़ाऊंगी, उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ ग्रीक कार्य भी दूंगी, होमवर्क भी दूंगी। आज का आपका ये ग्रीक कार्य है, ये पत्र लिखना, निबंध लिखना और ये संधि को जहाँ तक मैंने पढ़ा तो कंटिन्यू करना। तब तक के लिए धन्यवाद।